दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 4 सितंबर 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन थोड़ा सा टायरिंग और टैक्सिंग हो सकता है, खास तौर पे कार्य क्षेत्र में विस्तार के संदर्भ में अगर सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। खास तौर पे अगर आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं या कुछ एग्जिस्टिंग काम में कुछ आप एड ऑन्स करने जा रहे हैं, वहाँ पर आज के दिन सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे आप अपने चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी आपको उतार चढ़ाव के बाद हो सकता है काफ़ी आज के दिन बिजी आप रहें, टाइट शेड्यूल चल सकता है। पारिवारिक स्तर पे परिस्थिति सामान्य रहेगी, नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आज के दिन ऑर्गेनाइज्ड होकर या स्ट्रेटेजिकली चलने की ज़रूरत है कार्य क्षेत्र में या बिजनेस विस्तार में। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मन आपका शांत हो रहा है, परिस्थितियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लगभग लगभग आपने अपने लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, आपने तैयार करके रख लिया है। पारिवारिक स्थिरता भी आपकी आगे बढ़ रही है, मन भी शांत हो रहा है, विचारधाराएं भी प्रबल हो रही हैं, सारी चीज़ें आपके कहे अनुसार आपके मुताबिक चल रही हैं। साथ ही साथ आज के दिन नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, मन को शांत रखिए। आज के दिन निवेश करने से बचाना चाहिए अपने आप को। हालांकि खास तौर पे अगर आपने विगत कई दिनों से रियल एस्टेट परचेज करने की सोच रहे थे, कुछ नया मूव करने की सोच रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, वहाँ पर प्रोबेबिलिटीज आपके लिए इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही हैं। लीगल बाधा भी अगर आपके परिवार में चल रही थी तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत देखने को मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना है। काफ़ी आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी टास्क की, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इतना बता दूं कि जिस तरह से, जिस नज़रिए से, जिस परिस्थिति से आप चीज़ों को देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सही तरीका है आपका। कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों में मूवमेंट होता हुआ नज़र आ जाएगा, मन आपका शांत रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं देखूं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आलसी आप हो सकते हैं या आलस आपको आ सकता है, या कहीं ना कहीं आप गृहस्थ जीवन से संबंधित या घरेलू कामकाज से संबंधित कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को ना करते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पर थोड़ा सा तनाव या कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन हो सकती है, इसलिए वहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बाकी तो खासतौर पर अगर कार्य क्षेत्र में देखूँ तो आप काफ़ी अगर सूझबूझ के साथ चलेंगे तो कंट्रोल बना पाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, मन शांत रहेगा, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी आपकी इंडिकेटेड है, जो आपको बहुत दिनों से आप प्लान कर रहे थे, जो आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिलीफ करके जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं विगत 2 से 3 महीने से आप कहीं सैचुरेशन पॉइंट पे बीत रहे थे या आ चुके थे, जहां पर आपको एक फ्रेश एयर की ज़रूरत है, अब वो परिस्थितियां आपके लिए बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। मन आपका शांत है, पारिवारिक स्थिरता बनती हुई नज़र आ रही है। परिवार के साथ कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं, जो आपके स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके जाएगा। साथ ही साथ पुराने मित्रों से भी आपका कहीं ना कहीं संपर्क हो सकता है, कहीं मुलाकात हो सकती है, जो आपकी परिस्थितियों को और बेटर करके जाए। कम्युनिकेशन आपको अपने बिजनेस विस्तार में, कार्य क्षेत्र में इंटैक्ट रखना है। कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन कर पाए हैं आप चीज़ों को, जहां पर आपने उम्मीद छोड़ दी थी वो परिस्थितियां आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रही हैं। कुल मिला के आज के दिन पारिवारिक स्थिरता की तरफ ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं आप अपनी नेगेटिविटी को, यही काफ़ी है, काबिले तारीफ है। नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने जीवन से दूर रख पा रहे हैं, मन आपका शांत है, विचारधाराएं आपकी प्रबल हैं, नेगेटिविटी आपसे दूर है। कहीं ना कहीं सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति जो आपकी चिंताएं चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही हैं। लीगल बाधा से संबंधित अगर आप कहीं ना कहीं कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में या कहीं ना कहीं अगली तिथि में कुछ मूवमेंट दिखता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ जो इतने दिनों से लीगली चीज़ रुकी हुई थी, जहाँ पर कोई तारीख नहीं मिल रही थी या कहीं ना कहीं फैसले में आने में दिक्कत हो रही थी, वो भी उसमें स्थिरता या मूवमेंट या कहीं ना कहीं आपके पक्ष में चीज़ें आती हुई नज़र आएंगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज का दिन टायरिंग हो सकता है, खास तौर पे कार्य क्षेत्र में आपको सोच समझ के संभल के चलने की ज़रूरत है। निष्पक्ष भाव से चीज़ों को एड्रेस करें, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखें। ईगो पे कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं लेकर जाना है, पर्सनल अपनी कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है, जिससे कार्य क्षेत्र में कहीं नेगेटिविटी आए।
और खास तौर पे आज के दिन कार्य क्षेत्र में काफी संवेदनशील होकर आप चल सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अराइज होने से पहले ही अंडरस्टैंड कर लेना या कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखे कंट्रोल कर लेना आज के दिन आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो काफ़ी हद तक आपकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगी। मन को शांत रखिए, कहीं ना कहीं विचारधाराओं को प्रबल करते हुए बनाते हुए चलते चलिए, जिससे कि सिचुएशंस आपके फेवर में आने लगे। स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन सचेत रहने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन मानसिक शांति आपको आपके परिवार के साथ बिताए गए समय से मिल जाएगी। रेजुविनेट करने की अपने आप को सख्त ज़रूरत है। मानसिक शांति आपको उसका एक कहीं ना कहीं जो दो चार दिन से अभाव था, या कहीं ना कहीं आप उथल पुथल में किसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे, अब वो भी परिस्थिति, वो परेशानी, वो तनाव, वो सिचुएशन, वो कंडीशन आपके जीवन से जाने वाली है। लगभग ये बात तय हो चुकी है कि आप अपने जीवन में एक नई विचारधारा की तरफ, एक नए पड़ाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसी तरह से चलते चलिए, आपके लिए पॉजिटिविटी आपकी चीज़ों में देखने को आपको मिल जाएगी। मन आपका शांत होगा, परिस्थितियां आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता या शुभ संकेत लेकर आ जाएंगी। साथ ही साथ आज के दिन पारिवारिक स्थिरता की तरफ कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, जल्दबाजी इन्वेस्टमेंट या निवेश करने के संदर्भ में ठीक नहीं है। सोच समझ कर आपको सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्लान्ड मूव करेंगे, साथ ही साथ बचत कैसे करें, सेविंग्स कैसे करें, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अध्यात्म की तरफ जो आपका झुकाव हो रहा है, या आपका मन शांत करने के लिए आप कुछ भी अगर अल्टरनेटिव मोडालिटीज़ में बिलीव कर रहे हैं या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए 360 डिग्री इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। मन शांत रहेगा, परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, जो पहले चीज़ें आपको परेशान नहीं देती थी, अब वो इमोशनल इश्यूज इतना बॉदर नहीं करेंगे। कहीं सहजता के साथ चीज़ों को पकड़ के, मन में धार के आप बढ़ सकते हैं। काबिले तारीफ़ है कि आपने अपने लिए अपनी सिचुएशंस में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आए हैं। इसी तरह से चलते चलिए, आपको अपनी सिचुएशंस में पॉजिटिव इंडिकेशंस देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, आपके लिए परिस्थितियाँ बेटर हो रही हैं, मन शांत हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। इमोशनली वनरेबल स्टेट से आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। मन शांत है, लोग आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, सिचुएशंस आपके पक्ष में आ रही हैं, फेवर में आ रही हैं, लोग आपके काम की तारीफ़ भी कर रहे हैं, मन भी शांत आप कर पा रहे हैं। साथ ही साथ निवेश करने के संदर्भ में जो आपकी प्लानिंग थी, या बिज़नेस को विस्तार के दौर पर ले जाने की ज़रूरत थी, या कहीं ना कहीं आप बिज़नेस में कुछ नवीनतम स्ट्रैटेजीज लाने की सोच रहे थे, वो परिस्थितियां अब आपके लिए कारगर साबित होंगी और कहीं ना कहीं लाभदायक भी साबित होती हुई नज़र आएंगी। पारिवारिक क्षेत्र में सारी चीज़ें सामान्य होती हुई कहीं ना कहीं आपको एक फुलफिलमेंट का एक भाव देकर जा सकती हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन तनाव, रेस्टलेसनेस कम होगा, मन शांत रहेगा, पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं चीज़ों को एम्ब्रेस कर पाएंगे, परिस्थितियों को बेटरमेंट के दायरे में लेकर आ पाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे, जिससे मन आपका शांत रहेगा, परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। माता पिता की तरफ से या बुज़ुर्गों की तरफ से जो आपको उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता रहती थी, वो भी अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। परिस्थितियों को बैलेंस आउट करने के लिए जिस तरह से, जिस निष्ठा के साथ आप अपनी कार्यपूर्ति करते हैं या कार्यवान आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से चलते चलिए, परिस्थितियां आपके फेवर में आती हुई नज़र आएंगी। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य में भी इजाफा होते हुए देखेंगे। अब थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, खास तौर पे फिज़िकली एक्टिव। अगर आप एक्सरसाइज करें, कोई लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट पे काम करें, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी कमी है, उस पर आज के दिन आप सोच विचार कर सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको परिस्थितियों को काबू में पाने के लिए, आज के दिन अपने रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पे अगर आप तनाव में आ जाते हैं या प्रेशराइज हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या प्रोफेशनली कुछ अचीव करने का प्रेशर है आपके ऊपर, जिसकी नेगेटिविटी आप अपने पार्टनर पे निकाल रहे हैं, या कहीं ना कहीं डिस्टेंट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न पे चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है। खास तौर पे बखूबी है कि आपने इतने काबिले तारीफ तरीके से अपने चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाया है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। हाल फिलहाल में अगर आपका कोई एग्जामिनेशन ड्यू है, कुछ इंटरव्यू आप अपियर होने वाले हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय या किया गया डिसीजन कहीं पर भी आपके लिए आर्थिक उन्नति के संदर्भ में आज के दिन पॉजिटिविटी देकर जा सकता है। बस आज के दिन बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, नेगेटिविटी को कंट्रोल करिए, बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलिए, संतुलित आहार लीजिए, संतुलित व्यवहार करिए। साथ ही साथ आज के दिन
नकारात्मक एस्पेक्ट से, कंडीशन से, परिस्थितियों से, व्यक्ति विशेष जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं, डिटैच कर लीजिए। आपको कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, जिससे कि पॉजिटिविटी को आप इम्ब्रेस कर पाएँ और मन को शांत करके आगे चल पाएँ। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बन रही प्रबल विचारधाराएं आपको आगे लेकर जाएंगी। नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए, अपने आप को रिफ्रेश करिए और आगे बढ़ते चलिए। रेजुविनेट करने की आज के दिन सख्त ज़रूरत है। आप चाहें तो अपने कामकाज से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और उसके बाद पूरी स्फूर्ति और एनर्जी के साथ कार्यक्षेत्र में वापस आ सकते हैं। फैलाव, विस्तार, कार्यक्षेत्र में पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आपका मन शांत होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।